प्रभु के नाम की स्तुति हो। यदि इन बाइबल स्टडीज को या इन संदेशों को आप नियमित रूप से सुनना चाहें, तो ये जो वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं, इसके नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसको आप दबा दीजिए। उसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे, तो उसके बगल में घंटी का एक बटन और दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर दें। तो जैसे ही हम कोई भी वीडियो पोस्ट करेंगे, वैसे ही YouTube तुरंत आपको ईमेल से सूचना दे देगा। इस तरह कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। एक काम और कीजिए, उसके साथ साथ अपने दोस्तों को ये बता दीजिए कि वे लोग इस चैनल पर आके हिंदी में प्रभु के वचन का नियमित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। क्या मालूम आपके मित्रों के जीवन में ये एक बहुत बड़ा सुझाव सिद्ध होगा। फिर से याद दिला दूं, इस वीडियो को सुनने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। नियमित रूप से सुनना ना भूलें और सब्सक्राइब और उसके बाद घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। प्रभु आपकी मदद करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज से प्रभु ने मदद की, तो आज और अगले हफ्ते में मैं एक विषय कवर करना चाहता हूं, जो कि जिसके बारे में आपको अनाउंसमेंट मिल चुका है, बाइबल और विज्ञान। विज्ञान के बारे में हर कोई जानता है, और हर कोई जानता है कि जब बच्चे जैसे ही स्कूल से हाई क्लास में जाते हैं, हम में से हर कोई ये कोशिश करता है कि बच्चे को साइंस दिला दिया जाए। मैं जब विद्यार्थी था, तब तो स्थिति ये थी कि तीन ग्रुप थे, एक आर्ट्स ग्रुप था, एक साइंस ग्रुप था, एक मैथ्स ग्रुप था। मैथ्स ग्रुप में जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। ये स्थिति थी 1970 आदि में। लेकिन अब मैथ्स की भी डिमांड है, लेकिन कुल मिला के मैं जो बताना चाहता हूं वो यह है कि विज्ञान के महत्व से हम में से कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर जगह विज्ञान ही विज्ञान है, और विज्ञान हमारी मदद करता है। आज कितने आसानी से मैं वीडियो पर बोल रहा हूं, और कम से कम 61 परिवार अपने अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर मुझे बोलते हुए देख रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आज से सिर्फ 20 साल पहले, ये 2020 है, आज से 20 साल पहले ये सुविधा नहीं थी। उससे भी 20 साल यदि आप पीछे चले जाएं, तो स्थिति ये थी कि किसी को यदि फोन करना है, मान लीजिए आप ग्वालियर में हैं और मुझे कोच्चि में फोन करना चाहते हैं, तो किसी न किसी टेलीफोन ऑफिस में जाना पड़ता था, वहां बुक करना पड़ता था, तीन तीन चार चार घंटे वेट करना पड़ता था। यदि विदेश के लिए कॉल करना है, तो 10 10 12 12 घंटे लगते थे एक कॉल नंबर देने के बाद मेच्योर होने में। मुझे याद है एक दो मृत्यु के बारे में लोगों को खबर देने के लिए जब हम टेलीग्राफ ऑफिस गए, नंबर भर के दिया, उनसे बोला कि भैया कोई गुजर गया है, उसकी जानकारी देनी है, तो बोला कि हाँ हाँ मैं भरसक कोशिश करूंगा। जनरली 18 घंटे में कॉल लगता है, मैं कोशिश करूंगा कि 12 घंटे में लग जाए। आप ऐसा कीजिए, वो बगल में सोफा है, उस पर सो लीजिए, और जब कॉल मेच्योर होगा तब हमको बुलाएंगे, आपको बुला लेंगे। तो 1980 में ये स्थिति थी कि आपको यदि विदेश के लिए कॉल करना है, तो 18 घंटे तक इंतजार करना पड़ता था। आज हम कॉल लगा लेते हैं, 18 सेकंड इंतजार नहीं करना पड़ता है। ये विज्ञान के कारण हुआ है। और अब तो स्मार्टफोन सब जगह आ गए हैं, तो इसलिए वीडियो भी देखना आसान हो गया है। जूम आ गया है, इसके कारण एक साथ सैकड़ों लोग क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ये सब कहां से आया? ये विज्ञान की देन है। विज्ञान कहाँ से आया? ये एक विशेष बात है जो हम सबको याद रखना चाहिए। उत्पत्ति के पहले अध्याय के
28वें पद में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1:28, परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। और भी परमेश्वर ने वहां कई बातें बोली, लेकिन उत्पत्ति में ही मनुष्य को परमेश्वर की आज्ञा थी कि ना केवल फूलना फलना है लेकिन पृथ्वी को अपने नियंत्रण में ले लेना है। एक एक करके हमारे चारों तरफ जो घटनाएं हो रही हैं उनका निरीक्षण करके, परीक्षण करके, उनके बारे में अच्छी तरह से समझकर लोगों ने जो बनाया है वो है विज्ञान। उसका एक छोटा सा वर्णन आपको बता दूं, हम सब मृग मरीचिका के बारे में जानते हैं। कहते हैं कि जंगल जहां ज्यादा पेड़ नहीं, ऐसे जंगल में मृग जो प्यासा है उसको अचानक सामने पानी दिखता है और वो उस पानी के पीछे भागता है, लेकिन वो पानी नहीं है। सूर्य की किरणों के द्वारा उसको ऐसा आभास होता है कि पानी है, उसे अपन हिंदी में मरीचिका कहते हैं। और कहा जाता है कि मृग मरीचिका के पीछे भागकर अपना जीवन दे देता है लेकिन पानी नहीं मिलता है, क्योंकि मरीचिका सिर्फ एक प्रभाव है जो हमको दिखाई देता है। मैं जिस शहर में हूं, यहाँ हम लोग गर्मी के सीजन में जब सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो अचानक लगता है कि अरे सामने सड़क पर 10-10 फुट पानी भरा हुआ है, आगे कैसे जाएंगे। ये भी मृग मरीचिका का एक और रूप है। ये मरीचिका जो मृग के बारे में कहती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मृग का जान ले लेती है, मनुष्य ने उसको जानने और पहचानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है, और फाइनली मनुष्य ने प्रिज्म की सहायता से ढूंढ निकाला कि ऐसा क्यों होता है। प्रिज्म शब्द यहां सबने सुना है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। आपने प्रिज्म पर कोई एक्सपेरिमेंट किया हो या ना किया हो, लेकिन प्रिज्म देखा जरूर होगा। प्रिज्म की सहायता से जब एक्सपेरिमेंट किए गए तब पता चला कि मरीचिका का रहस्य क्या है, क्यों ये मरीचिका उत्पन्न होती है। मनुष्य को प्रभु ने जो विशेष योग्यता दी है, उस योग्यता के कारण वह मरीचिका जो जान ले लेती है, उसी मरीचिका का जो प्रभाव है उसका उपयोग करके वैज्ञानिकों ने लगभग 40 साल के रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने एक चीज का आविष्कार किया, वो है ऑप्टिकल फाइबर। सब लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना होगा। आप सड़क पर जाएंगे, कई शहरों में सड़क के किनारे जरा सी खूंटी लगी रहती है जिसके ऊपर लिखा रहता है OFC, जिसका मतलब है ऑप्टिकल फाइबर केबल। मतलब यहां खोदा खादी करो तो याद रखना कि नीचे ऑप्टिकल फाइबर जा रहा है, और कट गया तो फिर उसको तुम नहीं जोड़ पाओगे। ये ऑप्टिकल फाइबर जिसके कारण मुझे और आपको, हम एक दूसरे को आज जो देख पा रहे हैं, इसका मेन कारण यह है कि मेरे और आपके मोबाइल से सबसे पास में जो टावर है उसके पास तक जाता है। उस टावर से या तो ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा या माइक्रोवेव के द्वारा ये जो सिग्नल है आपके पास पहुंचता है, मेरे पास पहुंचता है, जिसके कारण आज मैं अपने सामने बैठे हुए लगभग 63 परिवारों को चाहे तो देख सकता हूं, और आप सब लोग तो मुझे देख ही रहे हैं। यह है विज्ञान। अब सवाल यह है कि बाइबल और विज्ञान के बारे में चर्चा करने की क्या जरूरत है, ये देखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसा मैंने बाइबल से आपको पढ़कर सुनाया, परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करने के बाद मनुष्य को ये आज्ञा दी कि
फलो फूलो पृथ्वी पर भर जाओ, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, पृथ्वी को अपने वश में कर लो, इसको कई लोगों ने गंभीर तरीके से लिया और इस कारण आज विज्ञान हमारे चारों ओर है, इवन हमारी जेब में भी है। यदि बॉल पेन आपकी जेब में है तो वो विज्ञान का एक करिश्मा है कि एक ऐसा पेन जिसमें स्याही भर दिया गया है या स्याही भर दी गई है, एक तरफ से खुला हुआ है और स्याही बाहर नहीं जा रही, ये सब विज्ञान की देन है। अब विज्ञान और बाइबल इस विषय के चर्चा की क्या जरूरत है, ये प्रश्न आता है। चर्चा की काफी जरूरत है क्योंकि 21वीं शताब्दी में हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां तमाम प्रकार के गैर मसीही लोग मसीही विश्वास का विरोध करते हैं और विरोध करने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं। इसका एक उदाहरण दूं तो मैं हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे स्टेट केरल में हूं। आप लोगों, आप में से ज्यादातर लोगों से 2,500 किलोमीटर दूर हूं। साक्षरता सबसे अधिक है इस स्टेट में, साक्षरता सबसे अधिक है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और है और वो ये है कि वे लोग जो ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं, उन लोगों की भी संख्या हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इस स्टेट में है। जो लोग ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं उनको अपन नास्तिक बोलते हैं। यह केरल स्टेट इंडिया के बाकी सब स्टेट से ज्यादा मसीही लोग हैं इस स्टेट में। उनकी संख्या मेरा अनुमान है कि 80 लाख के ऊपर है, 1 करोड़ के पास है। सबसे ज्यादा मसीही हैं, सबसे ज्यादा साक्षर लोग हैं, लेकिन ये ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा नास्तिक लोग हैं जो ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं। इसके साथ साथ ये एक ऐसा स्टेट है जहां मुस्लिम्स बहुत ही सक्रिय तरीके से मसीही लोगों का विरोध करते हैं, मसीही विश्वास का विरोध करते हैं। जब आप इस तरह के एक स्टेट में जी रहे हो तो आप कहीं भी चले जाइए, कोई ना कोई आपको टोक कर परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कुछ ना कुछ बोलेगा। मैं जब भी बाहर जाता हूं मुझे इसका बहुत अनुभव होता है। आप कहेंगे कि ब्रदर हम तो बच गए, हम आपके स्टेट में नहीं हैं, ये आपकी गलत फहमी है। केरल के नास्तिक लोग नास्तिक साहित्य छापकर भारत के सारे स्टेट्स में नियमित रूप से भेजते हैं। बल्कि स्थिति यह है कि केरल से एक परिवार जो सबसे ज्यादा जिन्होंने नास्तिक लिटरेचर छापा और बांटा और लोगों को ब्रेन वॉश किया, वे लोग सारे हिंदुस्तान में नास्तिक साहित्य बांटने की सुविधा के लिए केरल छोड़कर दिल्ली में जाकर निर्माण विहार नामक जगह पर सेटल हो गए और पिछले कम से कम लगभग 40 साल से नास्तिक साहित्य छापकर सारे हिंदुस्तान में भेज रहे हैं। केरल के बाद अगला सबसे बड़ा नास्तिक केंद्र है आंध्र। आंध्र प्रदेश में नास्तिकों की संख्या बहुत ज्यादा है और वे लोग भी काफी सारा नास्तिक साहित्य छापकर सारे हिंदुस्तान में भेज रहे हैं। इसके बाद नास्तिकों की सबसे बड़ी संख्या है महाराष्ट्र में। तो केरल, आंध्र और महाराष्ट्र में जो नास्तिक लोग हैं वे लोग नास्तिक साहित्य, नास्तिक का मतलब जो ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करता है, नास्तिक साहित्य छाप छाप कर सारे हिंदुस्तान में भेज रहे हैं और इसका परिणाम यह है कि नास्तिकों के लेखों को पढ़कर लोग बाइबल के विरुद्ध
बोलते हैं। नास्तिकों के लिटरेचर को पढ़कर बाइबल का विरोध क्यों करते हैं? इसका एक कारण है, दुनिया में जहां भी नास्तिक लोग सर उठाते हैं वहां सबसे अधिक विरोध उसका करते हैं मसीही लोग। इसके कारण मान लीजिए कोई मसीही विरोध भी नहीं कर रहा हो तो नास्तिक जो है जबरदस्ती जाकर उसके गले पड़ जाते हैं प्रभु का वचन, प्रभु के वचन का विरोध करते हुए। क्योंकि भारत में इस तरह से नास्तिकों की संख्या बढ़ रही है और अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के आगमन के साथ साथ किसी भी विषय पर किसी भी तरह का साहित्य प्रोड्यूस करके, ऑडियो वीडियो लिटरेचर पीडीएफ प्रोड्यूस करके बहुत ही सस्ते में, बल्कि नाम मात्र की कीमत पर आप हजारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इस कारण नास्तिक लोग भारत में बहुत सक्रिय हो गए हैं। आप कहेंगे कि आज तक तो हमसे कोई टकराया नहीं है। सच है, आज तक आपसे कोई टकराया नहीं है। जरा एक बात बताइए, आप जब सड़क पर जाते हैं तो आज तक कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसका मतलब यह है क्या कि आप अपने बच्चे से कहा कि जा बेटा सड़क पर खेल कूद, कुछ नहीं होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम में से हर व्यक्ति जो सड़क पर अपने आप को बचाकर चलता है उसी सड़क पर अपने बच्चे को जब जाने से पहले उसको ट्रेनिंग दे देते हैं कि लेफ्ट देखना राइट देखना, ट्रैफिक लेफ्ट साइड पे जाता है उसका ख्याल रखना, सड़क क्रॉस करने से पहले दाएं बाएं देख लेना कि कम से कम अगले एक मिनट तक कोई गाड़ी तुम्हारे पास ना पहुंचे। यदि सड़क क्रॉस करने के लिए एक मिनट चाहिए तो उतनी देर कोई गाड़ी तुम्हारे पास ना पहुंचे, गाड़ियां इतनी दूर हो तब सड़क क्रॉस करना बेटा। इसी तरह से जब हम अपने बच्चे को सुरक्षा के बारे में बताते हैं, उसी तरह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मेरे आपके बच्चे जो स्कूलों में और कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जाते हैं, इनके साथ तमाम प्रकार के नास्तिक लोग होते हैं। आप कहेंगे कि हम जब पढ़ते थे तब नहीं होते थे, आजकल होते होंगे। जी नहीं, ये आपके गलत फहमी है। आप जब पढ़ते थे तब हो सकता है कि हिंदुस्तान के किसी ऐसे इलाके में आपकी पढ़ाई लिखाई हुई हो जहां जिस स्कूल में या कॉलेज में आप गए थे वहां पर कोई नास्तिक नहीं था जो आपके साथ छेड़छाड़ करे या वाद विवाद करे। लेकिन ग्वालियर जैसे शहर में जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, मैं 1971 में हायर सेकेंडरी पास करके बीएससी फर्स्ट ईयर में पहुंचा, फर्स्ट ईयर पहुंचते ही नाम सुनते ही लोग पूछते थे, अच्छा जॉनसन फिलिप ईसाई हो? वो 3000 विद्यार्थी उस कॉलेज में पढ़ते थे, उसमें मैं एकमात्र मसीही था और इसलिए मैं लगभग सभी का टारगेट था। और टारगेट होने के कारण इवन जो मुझसे जिनका अच्छा स्नेह संबंध था वो भी आकर कोई ना कोई प्रश्न पूछने से बाज नहीं आते थे। तो यदि आज से 50 साल पहले शहर में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब यदि मेरे साथी लोग आकर बाइबल के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध यदि बोलते थे या कोई ना कोई इस तरह से टिप्पणी करते थे, तो आज 50 साल के बाद आपके बच्चे जो स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कई बार जब बाइबल एंड साइंस के बारे में बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे बाप रे साइंस बहुत मुश्किल है, कौन उस पचड़े में पढ़े, और वैसे भी हमको जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए हम यहाँ जो चीजें पढ़ रहे हैं खासकर ब्रदरन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, इनमें से हर चीज अपनी जरूरत के लिए नहीं, बल्कि इनमें से बहुत सारी चीजें हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें दूसरों की मदद करनी है और सबसे पहली मदद तो अपने परिवार में ही करनी है। तो इस बात को याद रखें कि हाँ
आपसे यदि किसी ने इन विषयों पर कुछ नहीं पूछा तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे, आपके छोटे भाई, आपके छोटे, आपके जो आपकी छोटी बहन, आपके बच्चे बचे हुए, जी नहीं, वे जहां भी जाएंगे वहां इन लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। सिर्फ नास्तिक लोग ही नहीं है, पिछले लगभग 20 सालों में मुस्लिम बहुत सक्रिय हो गए हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, और लोगों को जिस तरह से हम लोग जाकर प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं, उस तरह से वे लोग लोगों को जाकर कन्विंस करके इस्लाम में ले जा रहे हैं। आप कहेंगे मैंने तो नहीं सुना है। हाँ, आप शायद हिंदुस्तान के एक ऐसे इलाके में हैं जहां वे लोग सक्रिय नहीं हुए, लेकिन मैं जिस स्टेट में हूं यहाँ ये लोग इतने सक्रिय हैं कि जिस तरह से हम लोग ट्रैक्ट घरों में ले जाकर बांटते हैं, उस तरह से ट्रैक्ट बांटते हुए ये लोग हमारे घरों में भी आते हैं। बल्कि ये लोग क्या करते हैं, इवन बाइबल स्कूल्स में जाते हैं लोगों से वाद विवाद करने के लिए। और केरल में तो ये स्थिति है कि वे लोग बीच बीच में बहुत बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन करते हैं, एक साथ 500, 1000, 1500, 2000 लोग एकत्रित होते हैं, जहां पर बाकायदा बाइबल का विरोध किया जाता है, वो भी विज्ञान के आधार पर विरोध किया जाता है। आज केरल में है, कल आपके शहर में होंगे। आज केरल के बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, कल आपके बच्चों को ब्रेन वॉश करेंगे। इसलिए भी इस विषय के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपनी गवाही आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप में से सबको मालूम है कि मेरे पिताजी प्रभु की सेवा करते हैं, 91 साल के हो गए हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, और ग्वालियर में जो प्रार्थना भवन असेंबली है उसकी स्थापना उन्होंने की है, जिसके इंचार्ज अब भाई रणजीत है, पूर्ण रूप से उसके इंचार्ज भाई रणजीत है। इस तरह से एक मसीही परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे दादाजी भी प्रचारक थे, तो ऐसे मसीही परिवार में मेरा जन्म हुआ जहां दादा प्रभु की सेवा करते हैं, पिताजी प्रभु की सेवा करते हैं, तो अनुमान लगा लीजिए कि कितनी अच्छी पृष्ठभूमि मिली होगी। मेरे फादर बचपन से, मेरे बचपन में ही मेरे फादर ने इस बात को पहचाना कि मुझ में पढ़ने की बहुत इच्छा है, किताबें पढ़ने की बहुत इच्छा है। और आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब को ये बताने की जरूरत नहीं है कि किताबों के प्रति मेरा झुकाव क्या है, बल्कि आप इस वीडियो में जो देख रहे हैं वो मेरे पुस्तकों का 10% भी नहीं है, क्योंकि पीछे जो अलमारी है 12 फुट ऊंची दीवार तक ऊपर तक जाती है। किताबों के प्रति मेरा ये जो प्रेम है, इसे देखकर बचपन से ही मेरे पिताजी ने मुझे किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं अपने साथियों से जो भी किताबें मिल सकती थी उनसे मांग कर ले आता था, पढ़ता था। लेकिन सभी माँ बाप आज जो सुन रहे हैं उनको यह मालूम होना चाहिए कि विज्ञान की किताबें बच्चों को विज्ञान का ज्ञान तो देती हैं ये किताबें, लेकिन इनमें से कई किताबें उनको गलत दिशा में भी ले जाती है। अच्छा, मैं विज्ञान की बात इसलिए कर रहा हूं कि बचपन से ही विज्ञान के प्रति मेरा झुकाव बहुत ज्यादा हो गया था, और एक पांचवी तक आते आते मैंने ठान लिया था कि मुझे एक वैज्ञानिक बनना है। मेरे अध्यापक लोग अक्सर कहा करते थे कि हमें यकीन है कि इस कक्षा में एक बालक जरूर वैज्ञानिक बनेगा। इससे मेरा उत्साह और दुगना हो जाता था और साइंस 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 की ही किताबें पढ़ता था। लेकिन विज्ञान की लगभग सभी किताबें बार बार ये बात बताती है कि मनुष्य सृष्टि नहीं हुई है, पृथ्वी की सृष्टि नहीं हुई है, ये संसार, ये विश्व अपने आप बना है, और जब ये विश्व अपने आप बन गया तो
तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, जीवन अपने आप उत्पन्न हुआ, और जीवन अपने आप उत्पन्न होने के बाद धीरे 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 क्रमबद्ध तरीके से विकास होता चला गया और फाइनली बंदर बन गया, और बंदर फाइनली धीरे धीरे विकास के बाद मनुष्य बन गया। इसको अपन डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत बोलते हैं। अंग्रेजी में कहा जाए तो डार्विन्स थियरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन का नाम जुड़ा है, लेकिन डार्विन के अलावा सैकड़ों लोगों ने इस थ्योरी को डेवलप करने में योगदान दिया है। आज मेरे आपके बच्चे स्कूल में दूसरी क्लास से उनकी जो किताबें हैं उसमें ये पढ़ते हैं। तो आप कहेंगे क्या कह रहे हैं ब्रदर? जी हाँ, जिन स्कूलों में कक्षा दो से भूगोल पढ़ाया जाता है, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, वहां इन किताबों में उनको ये भी पढ़ाया जाता है कि सारा विश्व अपने आप बन गया, उसमें से पृथ्वी अपने आप बन गई, पृथ्वी पर जीवन अपने आप, जीवन का उदय हुआ, एक अमीबा अपने आप बन गया, और धीरे धीरे वो अमीबा जब विकास हुआ तो उससे बड़ा जानवर बना, इस तरह से विकास होते होते बंदर बने, और बंदर से विकास होकर मनुष्य आया। ये आपके बच्चों को पढ़ाया जाता है। जितने माँ बाप आज प्रभु का संदेश सुन रहे हैं, उन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपके बच्चों को उनके भूगोल के और उनके विज्ञान की और बायोलॉजी की किताबों में क्या पढ़ाया जाता है, यह आपको ज्ञात होनी, ये बात आपको ज्ञात होनी चाहिए। और यदि नहीं ज्ञात है आपको, आप नहीं जानते, तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपके बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है, और आप इतने लापरवाह हैं क्या कि आप कभी ध्यान भी नहीं देते कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है? आप कहेंगे कि ब्रदर, यदि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है ये मैं जान लूं तो भी उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक को तो मैं बदल नहीं सकता। जी हाँ, पाठ्य पुस्तक को आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम एक काम आप कर सकते हैं, आपका बच्चा जब उस विषय को सीखे तब उसको ये बता दिया जाए कि बेटा ये उन लोगों की थ्योरी है, इसको एग्जाम में पास होने के लिए लिख देना, लेकिन इस पर विश्वास मत करना, ये बताना मेरी आपकी जिम्मेदारी है। सड़क पर शराबी कबाबी लुच्चे लोग गाली गलौच देते हैं, इन गाली गलौच को सुनने से आप अपने बच्चों को रोक नहीं सकते, बच्चों के कानों में 2400 घंटे आप रुई नहीं ठूस सकते। मैं तो रहता ही ऐसे इलाके में था जहां तो 2400 घंटे गालियों की बौछार चलती थी, बगल में जो मकान है वहां से। बच्चों को सुनने से आप नहीं रोक सकते, लेकिन बचपन से, पहली बार जब मेरे बेटे ने पूछा कि डैडी इसका क्या मतलब है, तब मैंने बेटे को बताया कि बेटा दुनिया में अच्छी बातें भी होती हैं, मुंह से हम बोल सकते हैं, गंदी बातें भी मुंह से बोल सकते हैं, मैं और तुम प्रभु के बच्चे हैं, इसलिए मेरे तुम्हारे मुंह से गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए। इस कारण बेटा, जब वो आदमी उस तरह से बोलने लगे, यदि तुम्हारे कानों में पड़े तो तुम एक काम करना कि खिड़की के पास से हट जाना और वहां से ऐसे कमरे में चले जाना जहां उसकी आवाज नहीं आती है। बेटे ने पूछा कि डैडी मैं वो जो बोलता है वो अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, लेकिन उसको सुन लेता हूं तो उसमें क्या बुराई है? तब मैंने बेटे को समझाया कि बेटा, मनुष्य का मन एक कोरे कागज के समान है, उस कोरे कागज पर स्याही गिर जाती है तो भले ही आप उस कोरे कागज को कितना भी धो लें, स्याही पूरी तरह से कोरे कागज से नहीं जाएगी। उसी तरह से बेटा, मेरा और तुम्हारा मन एक कोरे कागज के समान है, जिसमें यदि इस तरह की गंदी बातें कानों के द्वारा
नियमित रूप से सुनाई दें तो वो हमारी स्मरण शक्ति में चली जाती है, हमारी मेमोरी में चली जाती है। और एक बार वो हमारी स्मरण शक्ति में चली जाए तो उसके बाद वो हमको परेशान कर सकता है, कई तरह से परेशान कर सकता है। जब मैंने ये बात बेटे को बताई, बिटिया को बताई, तब से जब उन लोगों ने उस तरह का वार्तालाप सुनते थे तो वो लोग वहां से हट जाते थे। इसी तरह से मेरे, जिस तरह से मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए जरूरी था कि बच्चे किस तरह की वाणी सुनेंगे, बोली सुनेंगे, इसको जानकर बना रहा हूं उसकी काट का उपाय करें, उसी तरह से मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उनमें जो बातें प्रभु के वचन के विरुद्ध हैं, उसके काट का उपाय बच्चे उन चीजों को पढ़ें उसके पहले ही करें। और बच्चे जब पढ़ रहे हैं उस समय तो करना ही है। आप पूछेंगे कि ब्रदर ये बात तो नहीं मालूम थी। जी नहीं मालूम थी, इसीलिए ब्रदर एंड डिसाइपलशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इस विषय पर क्लास लिया जा रहा है। भाई रंजीत, अस्पताल में एडमिट होने से पहले जब हमारी जो आखिरी बातचीत हुई थी, उसका मतलब ये नहीं कि अस्पताल में बात नहीं हुई थी, वहां भी हुई थी, लेकिन अस्पताल में स्वास्थ्य चंगाई की बात हुई थी, लेकिन उसके पहले जब हमने आपस में चर्चा की कि अब कौन सा विषय मैं कवर करूं, तब भाई रंजीत ने ये बात मुझे बताई कि सर अब तो उत्तर भारत के स्कूलों में भी मसीही विश्वास के विरुद्ध कई सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं और लोग विश्वास के विरुद्ध बोलने लगे हैं, जिसका असर विश्वासियों के ऊपर दिखता है। उससे संबंधित आपके पास तो बहुत विषय हैं, उनको कवर कीजिए। इस तरह से भाई रंजीत से जो चर्चा हुई, इस कारण मैं ये विषय ले रहा हूं, क्योंकि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया मुझसे कि बच्चे जहां जाते हैं वहां विश्वास का विरोध हो रहा है, इसलिए उसकी काट का जो तरीका है वो माँ बाप को बताया जाना जरूरी है। प्लस जो बच्चे आज प्रभु का संदेश सुन रहे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि बेटा मैं विषय इतने सरल तरीके से प्रेजेंट करूंगा कि तुम भी समझ सको, इसलिए ध्यान से सुनना। माँ बाप से मेरा अनुरोध है कि अपने आप को एजुकेट करें कि आपके बच्चे हिंदी, ज्योग्राफी, भूगोल, इतिहास, विज्ञान इनमें क्या पढ़ रहे हैं, और यदि उनमें ऐसी चीज आपको दिखाई देती है जो कि विश्वास के विरुद्ध है तो उनको सही रास्ता बताइए। अब आइए वापस मेरी गवाही पर। मैं चूंकि विज्ञान की ही किताबें पढ़ता जाता था तो लगभग हर किताब में ये बात बताई गई होती थी कि ये विश्व, अरे ये तो अपने आप पैदा हुआ, ये पृथ्वी अपने आप पैदा हुई, जीवन अपने आप एक अमीबा पैदा हुआ, पानी से निकला और अमीबा से फिर जीवन विकास होते 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 बंदर बना, और बंदरों से या वन मनुष्य, मनुष्य के समान होता है, वन मनुष्य से विकास होकर मनुष्य बना। सुबह जो किताब पढ़ूं, दोपहर को जो पढ़ूं, शाम को जो पढ़ूं, रात को जो पढ़ूं, सभी किताबों में यही बात बताई गई थी। और जब बार 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 ये बात बताई जाती है तो दिमाग पर असर होता है। जो माँ बाप आज सुन रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप जरा इस विषय को गंभीरता से लें। आपके जीवन में जरूरत नहीं पड़ी हो तो भी आपके बच्चे को इसकी जरूरत है, इसलिए इसको गंभीरता से सुने। आज से 50 साल पहले एक प्रयोग किया गया था। प्रयोग ये था, एक 2 टन वजन का लोहा लटका दिया गया। 2 टन मतलब 2000 किलोग्राम वजन का लोहा लटका दिया गया। उसके बगल में 1 ग्राम का कॉर्क, आजकल तो कॉर्क दिखता ही नहीं है, जो बच्चे लोग सुन रहे हैं वो समझ लें कि कॉर्क फोम के समान एक चीज होती है जो बहुत हल्का होता है। हम जब तुम्हारी एज के थे तब बोतलों को बंद करने के लिए कॉर्क का उपयोग करते थे। एक तरफ 2 टन का लोहा, लोहे का पिंड टंगा हुआ है,
उसके बगल में 1 ग्राम का कॉर्क टंगा हुआ है। हम जानते हैं कि 2 टन का यदि लोहा टंगा हुआ है तो उसको धक्का देके थोड़ा सा मूव करने में कितनी ही शक्ति लगती है, सामान्यतया एक औसत व्यक्ति के वश की बात नहीं है। उसके बगल में 1 ग्राम का जो कॉर्क टांगा गया था उस पर वैज्ञानिकों ने यो बार बार चोट की, जिससे वो कॉर्क, 1 ग्राम का कॉर्क 2000 किलोग्राम के उस स्टील के पिंड से जाकर टकराता था। क्या हुआ? कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरा, उसी तरह से 2000 किलोग्राम के स्टील के पिंड के ऊपर 1 ग्राम का कॉर्क जाकर चोट करे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन वैज्ञानिक लोग इस बात का यकीन करना चाहते थे कि ऐसा ही होता है क्या। वो लोग करते रहे करते रहे करते रहे, लगभग आधे घंटे के बाद अचानक उन्होंने एक विचित्र बात देखी कि वो 2000 किलोग्राम का स्टील का पिंड हल्के से कांपने लगा था, वाइब्रेट करने लगा था। इससे उनका उत्साह बहुत बढ़ा और वे लोग उसी तरह से कॉर्क के द्वारा चोट करते गए। एक निश्चित समय के बाद क्या हुआ, वो 2000 किलोग्राम का पिंड अपने टंगा हुआ था ना उस पर डोलने लगा। ये विज्ञान का एक नियम है कि बार बार यदि चोट करें असर होगा। इवन जो बुलेट प्रूफ ग्लास जिसे कहते हैं, जिसको बंदूक की गोली भी नहीं तोड़ सकती, उस पर एक ही पॉइंट पर यदि आप फायर करें तो चौथी या पांचवी गोली में वो चटक जाता है। मनुष्य मन बिल्कुल इस तरह से है। मेरे आपके मन के ऊपर नियमित रूप से यदि बाइबल के विरुद्ध जो आइडियाज हैं, बाइबल के विरुद्ध जो टीचिंग्स हैं, बाइबल के विरुद्ध जो आर्ग्यूमेंट्स, जो वाद विवाद है, वो यदि नियमित रूप से हमारे दिमाग पर चोट करे तो कुछ समय के बाद हमारा विश्वास डगमगाने लगता है और कुछ और समय के बाद हम हो सकता है कि विश्वास त्याग कर दें। आप पूछेंगे कि ब्रदर ऐसा होता है क्या? जी हाँ, मैं पिछले लगभग 50 साल से जवानों के बीच में, विद्यार्थी विद्यार्थिनियों के बीच में काम करता आया हूं। अब जवान ना रहा, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग मुझसे 30-30, 40-40, इवन 50 साल मुझसे जूनियर हैं। वे लोग नियमित रूप से मुझसे लिखते हैं, अंकल फलाने प्रश्न का जवाब, फलाने का जवाब, फलाने का उत्तर क्या है। चूंकि इस तरह से बहुत ही व्यापक तरीके से मैं जवानों से कम्युनिकेट करता हूं, वार्तालाप करता हूं, इसलिए उनके मन में जो हो रहा है वो मुझे अच्छी तरह से मालूम है। मैं ऐसे कई जवानों को जानता हूं जिनको समय पर मदद ना मिलने के कारण विश्वास में डगमगाने लगे और डगमगाते समय मदद न मिलने के कारण उन्होंने विश्वास त्याग कर दिया। तो इसलिए यदि आप ये भी सोचते हैं कि आपके बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा, तो याद रखिए जिस तरह से 2 टन का स्टील का पिंड एक क्या है, एक पंख के समान लाइट कॉर्क जब उसको नियमित रूप से चोट करता है तो वो उस 2000 किलोग्राम के पिंड को आंदोलित कर देता है, डोलने के लिए मजबूर कर देता है। उसकी तुलना में मनुष्य मन तो बहुत छोटी चीज है जिसके ऊपर नियमित रूप से फायर किया जाए तो मनुष्य मन, पहले तो उसमें शंका आती है और शंका के बाद फिर मनुष्य मन कई बार विश्वास को त्याग कर देता है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बचपन से विज्ञान की किताबें पढ़ता था, हर किताब मुझे बताती थी दुनिया तो अपने आप पैदा हुई है, लगभग हर किताब मुझे बताती थी पृथ्वी तो अपने आप पैदा हुई है, पृथ्वी पर अमीबा अपने आप पैदा हुआ, अमीबा का विकास हुआ, धीरे धीरे अन्य जानवर आए, बंदर बने, बंदरों में वन मानुष आया जो मनुष्य के समान था, और फिर उसका विकास होकर
मनुष्य पैदा हुआ। परिणाम क्या हुआ कि नाइन्थ में आते आते मेरे मन में शंकाओं ने पूरी तरह से घर कर लिया। मैंने प्रभु यीशु को 5 साल की उम्र में ग्रहण किया था। नॉर्मली जो 5 साल के बच्चे होते हैं उनसे ज्यादा मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। इस कारण 5 साल की उम्र में फादर से मैंने पूछा कि उद्धार कैसे पाऊं। फादर ने मुझे बताया यूहन्ना 3:16 के आधार पर कि उद्धार कैसे पाऊं। 5 साल की उम्र में प्रभु को ग्रहण किया और 15 या 16 साल की उम्र में अपने विश्वास में डगमगाने लगा। कहां जाऊं, क्या करूं? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, लेकिन सुबह से शाम तक मैं विज्ञान की किताबें पढ़ता हूं और ये सारी किताबें बताती हैं कि मनुष्य अपने आप पैदा हुआ, बंदरों से आया। आत्मिक जीवन, मेरा आत्मिक जीवन शंका से भर गया, ये मानो या वो मानो। मैंने अपनी मंडली में कई लोगों से इसके बारे में पूछा, लेकिन क्या करें, उस समय मेरी मंडली में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे इस मामले में गाइड कर सकता या कम से कम सही किताब ही दे देता। लेकिन प्रभु की इच्छा थी, इसके पीछे प्रभु की इच्छा थी। प्रभु चाहते थे कि एक युवा जिसने प्रभु को ग्रहण किया है और जो प्रभु से प्रेम करता है, जब उसके मन में शंकाएं आती हैं तो उस शंका का सही समाधान ना हो तो वो जीवन में कितने आत्मिक संघर्ष से होकर गुजरता है। प्रभु चाहते थे कि मैं इस बात को जानूं और पहचानूं। इस कारण 9th में मैंने भारी संघर्ष किया, 10th में मैंने भारी संघर्ष किया, 11th में, उस समय सिर्फ 11th होता था मध्य प्रदेश में, 11th में भारी संघर्ष किया। 11th आते आते मैं प्रभु से विनती करने लगा, प्रभु मैं क्या करूं, आपका वचन कहता है कि आपने मनुष्य की सृष्टि की, मैं जो 500 विज्ञान की किताबें पढ़ता हूं वे विज्ञान की किताबें कहती है कि मनुष्य अपने आप पैदा हुआ, इसमें से किस पर मैं विश्वास करूं, किसको मानूं, मेरी मदद कीजिए। जब मैं हायर सेकेंडरी के लगभग आखिरी स्टेज में था, उस समय अचानक मैंने एक किताब देखी। उस किताब का नाम था बाइबल और आधुनिक विज्ञान, बाइबल एंड मॉडर्न साइंस। आज वो किताब अस्तित्व में नहीं है, बहुत पुरानी किताब थी। उसको देखते ही मुझे लगा, अरे बाइबल एंड साइंस, यही तो वो विषय है जिसके बारे में मैं जानना चाहता था। जाके पूछा तो उन्होंने बताया कि $1 कीमत है, ये किताबें विदेश से आती थी, $1। मैंने पूछा कि अंकल जी $1 कितने रुपए, मैं ये 1971 की बात बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा $1 का मतलब है 3 रुपए। मैंने कहा बाप रे, 3 रुपए बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ी राशि है। मैं ये उस समय की बात बता रहा हूं जब शक्कर 60 पैसे किलोग्राम मिलता था, 1 किलो शक्कर 60 पैसे में मिल जाता था, 6 रुपए में 10 किलो शक्कर आप घर ला सकते थे। तो उस समय 3 रुपए किताब की कीमत सुन के मैं तो बहुत चक्कर रह गया। उन्होंने, मैं उस किताब को देखता रहा, रुआ सा हो गया। वो भाई इस बात को समझ गए, वो अंकल इस बात को समझ गए कि कुछ तो कारण है जिससे ये बालक इस किताब को जरूर चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं। उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मैंने महीनों से जो पैसा बचा के रखा था उसको जेब से निकाल कर काउंट किया। उन दिनों माँ बाप बच्चों को 5 पैसे या 10 पैसा देते थे घर से बाहर जाके आइसक्रीम खाने के लिए। 3 पैसे का आइसक्रीम मिलता था, 10 पैसे में तो चॉकलेट आइसक्रीम मिल जाता था। तो मैंने जेब से जो पैसे हैं उसको लेके काउंट किया तो पता चला कि 1.5 रुपए हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, बाकी 1.5 रुपए मैं अपनी जेब से डाल दूंगा,
इस तरह से उस भाई ने वो किताब खरीदने में मेरी मदद की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उस किताब ने मेरे जीवन को आमूल का परिवर्तित कर दिया, काया पलट दी। इसलिए कि पिछले 3 सालों में मैं जिस संघर्ष से होकर गुजरा था, बाइबल पर विश्वास करूं या विज्ञान में जो कहा जाता है उस पर विश्वास करूं, वो डाउट उस किताब के कारण दूर होने लगा। याद रखिए, आप कहेंगे कि अरे भाई विज्ञान कहने कुछ कहता है, कहने दो, काहे को उस पर विश्वास करते। ऐसा नहीं है, हम जो भी अपने आसपास देखते हैं सब विज्ञान की देन है और विज्ञान के नियमों की देन है। तो जब यदि ये सारी बातें विज्ञान की देन है जिसका हम उपयोग करते हैं, तो विज्ञान जो कहता है उसमें सिर्फ एक बात पर अविश्वास क्यों? इस प्रश्न का जवाब मुझे उस पुस्तक में मिला। बाप रे, पहली बार मेरे 3 साल के संघर्ष में जवाब मिला। मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया। मेरा अध्ययन वहां पर समाप्त नहीं हुआ। मैं इतना ज्यादा पढ़ता था कि दिमाग में सिर्फ डाउट ही डाउट थे, शंकाएं ही शंकाएं थी। इन सारी शंकाओं का जवाब मिलने के लिए लगभग 14 साल लगे। 14 साल मैं इस तरह का साहित्य पढ़ता रहा, तब सारी शंकाओं का समाधान हुआ। मैंने कहा, प्रभु आपकी दया है कि शंकाओं का समाधान आपने कर दिया, लेकिन आपकी उससे बड़ी आपकी दया है कि एक युवा, एक बच्चा जब बाइबल और विज्ञान के बारे में शंकाओं से होकर गुजरता है, तब वो जीवन में कितना संघर्ष करता है, और इस कारण सही समय पर सही भाषा में और सही शैली में उसकी मदद करना कितना जरूरी है, यह समझने के लिए आपने मेरी मदद की। प्रभु, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। तब मैंने अपने आप को समर्पित किया कि इस विषय में स्पेशलाइज करूंगा। इसके सालों के बाद जब मैं एक बाइबल एंड साइंस, एक फ्री करस्पॉन्डेंस कोर्स चलाता था, उस समय मैं ग्वालियर में था, उस कोर्स को जो विद्यार्थी लोग कर रहे थे उसमें से एक विद्यार्थी ने मुझे जवाब दिया कि आपने ये जो फ्री लेसन भेजे हैं, इससे मेरे परिवार में हम जितने युवा लोग हैं हम सबकी आंखें खुल गई हैं और अब हमें प्रभु यीशु पर दृढ़ विश्वास हो गया है। आपसे मेरा अनुरोध है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये बातें मैं जहां पढ़ता हूं या पढ़ती हूं वहां सब जगह चर्चा का विषय है, और पिछले 2 साल से मैं इस विषय पर बहुत अधिक शंका में था या शंका में थी। मेरा विश्वास टूट रहा था, लेकिन तब अचानक बाइबल और साइंस का ये कोर्स मेरे हाथ लगा। इसको पढ़ने के बाद मेरे मन की शंकाएं दूर हुई, मेरा विश्वास दृढ़ हुआ। मैं जब 9th में था तब शंका से भर गया। 3 साल जीवन में बहुत संघर्ष किया। तब मुझे बाइबल एंड मॉडर्न साइंस नाम की पुस्तक मिली और उस पुस्तक के कारण मैं वापस विश्वास में आया। आज जो माँ बाप, जो बड़े भाई बहन लोग, जो अंकल और आंटी लोग, जो प्रचारक लोग क्लास में प्रभु का संदेश सुन रहे हैं, उन सबसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रिय भाई, प्रिय बहन, हमारे बच्चों के ऊपर बहुत अटैक हो रहा है, उनके विश्वास को छीनने की कोशिश की जा रही है। उनको यदि उनके विश्वास में स्थिर करना है तो कई विषय हमको सीखने पड़ेंगे, जिसमें से एक है बाइबल एंड साइंस। आज ये जो पृष्ठभूमि मैंने आपको तैयार करने के लिए दी है, इस पृष्ठभूमि से स्टार्ट करके हम अगले हफ्ते प्रभु ने मदद की तो इस विषय में आगे बढ़ेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मुझे इस तरह से जो अवसर प्रभु ने दिया उसके लिए मैं प्रभु का, मंडली ने जो अवसर दिया उसके लिए मंडली का, और मुझे इस तरह से जो इंट्रोड्यूस किया उसके लिए मैं शास्त्री जगवीर का बहुत अधिक आभारी हूँ।